सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के बाद भारतीय टीम अब साउथ अफ्रीका से दो दो हाथ करेगी। तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 10 दिसंबर को डरबन में खेला जाएगा। भारतीय टीम की निगाहें दौरे का आगाज जीत के साथ करने पर होगी, वहीं साउथ अफ्रीका टीम घरेलू परिस्थितियों का भरपूर फायदा उठाना चाहेगी। चलिए इस वीडियो में आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले में डरबन की पिच कैसा खेलेगी, पिच रिपोर्ट क्या कहती है वो बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पिच रिपोर्ट पर नजर डालें उससे पहले, डरबन के इस मैदान पर जो अब तक मुकाबले खेले गए हैं टी20 इंटरनेशनल के, उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो डरबन के इस मैदान पर अब तक कुल 22 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए, जिसमें से 11 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है, वहीं चेस करने वाली टीम ने 9 मैचों में बाजी मारी है। पहली पारी में औसतन स्कोर इस मैदान पर 153 रन का रहा है, जबकि दूसरी इनिंग्स में एवरेज स्कोर 135 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर 6 विकेट खोकर 226 रन लगाए थे। चलिए पिच रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन के किंग्स मीड क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। डरबन के इस मैदान पर तेज गेंदबाजों को पिच से अच्छी खासी मदद मिलती है, शुरुआत में फास्ट बॉलर्स को स्विंग भी मिलती है, जिसके चलते वो काफी खतरनाक साबित होते हैं। बल्लेबाजों के लिए इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं माना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस खबर पर अपनी राय में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी।